दैनिक दबंग दुनिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर मुंबई के प्रणब द्वारा 1009 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने तेंदुलकर द्वारा बधाई दिए जाने और ऑटो चालक के बेटे द्वारा ये कारनामा करने के बारे में लिखा है। इंदौर में अवैध एम्बुलेंस के दौड़ने की खबर को भी अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अखबार ने अपनी पड़ताल में दलाली कहां और कितनी दी जा रही है इसकी बारीकियों को प्रकाशित किया है। वहीं अखबार ने दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी द्वारा महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास पर मुलाकात करने की फोटो कैप्शन खबर प्रकाशित करते हुए फरवरी में दबंग दुनिया के कार्यालय में आने का वादा करने के बारे में लिखा है। नंदकुमार सिंह चौहान की दोबारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी की खबर को अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने 2018 में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव के जीतने वाले सीएम शिवराज सिंह के बयान को प्रकाशित किया है। पहले ही पेज पर दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में व्यापारी वर्ग, छात्र संगठन और मीडिया कर्मियों के साथ कई लोगों के पहुंचने की फोटो कैप्शन खबर को प्रकाशित करते हुए पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बारे में लिखा है। देश विदेश पेज पर सिद्धार्थ नाम के शख्स के ISS में शामिल होने और ISIS का जिहादी डॉन बनने के बारे में लिखा है। अखबार ने सिद्धार्थ की बहन के बयान को भी प्रकाशित किया है, जिसमें बहन द्वारा ऐसे भाई को जान से मारने की बात कही गई है।